इस साल बहुत सारे नए फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, उनमें से कुछ फ़ोन फोल्डेबल डिस्प्ले भी होंगे, जैसे कि सैमसंग। उसने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि वो फरवरी में अपना फोल्डेबल डिस्प्ले वाला फ़ोन लॉन्च करने वाला है। और वहीं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में 25 फरवरी को हुआ भी अपना एक फोल्डेबल डिस्प्ले वाला फ़ोन लॉन्च करेगा। और साथ ही सायोमी ने भी अपना ट्रिपल फोल्डेबल डिस्प्ले वाला फ़ोन एक वीडियो में दिखा दिया था कि वो भी इस तरह के फ़ोन पे काम कर रहा है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां इस बार फोल्डेबल डिस्प्ले वाली फ़ोन लाने वाली है। वहीं इस दौड़ में मोटोरोला भी शामिल हो गया है। उसने भी अपने पुराने मोटो रेजर फ़ोन का एक पेटेंट फाइल किया है, जो कि बिल्कुल नए अवतार में है, उसमें भी आपको फोल्डेबल फ़ोन दिखने वाला है। तो आज के वीडियो में हम उसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। सो वेलकम बैक टू हनी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं मोटो रेजर फ़ोन कैसा दिखता था, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मोटो रेजर फ़ोन कुछ इस तरह का दिखता था। मोटोरोला ने बहुत सारे फ़ोन इस सीरीज़ में लॉन्च किए थे और इस बार मोटो रेजर 2019 का पेटेंट फाइल मोटोरोला ने करवा दिया है, जो कि एक फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है। तो चलिए इस फ़ोन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, ये एक फोल्डेबल फ़ोन होगा। जैसे कि पहले मोटो रेजर फ़ोन में आपको एक छोटा सा स्क्रीन और एक कीपैड मिलता था फ़ोन में, वो सभी हटा दिए गए हैं। आपको सिंपली एक डिस्प्ले मिलेगा, पूरा 19:8 रेशियो वाला डिस्प्ले होगा और ये एक नॉच डिस्प्ले होने वाला है। तो और आप जब फ़ोन को बंद करेंगे तो वो फ़ोन काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा सा फ़ोन हो जाएगा। और बंद करने के बाद एक छोटा सा डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिख जाएगा और आपको बाहर की तरफ एक सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा है LED फ्लैश के साथ, और नीचे की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। डुअल कैमरा होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको लीक के अनुसार बता रहा हूँ, ये कोई भी ऑफिशियल बात इसके बारे में नहीं पता चली है। बस हमें यही पता चला है कि अभी एक पेटेंट फाइल किया गया है और इसके कुछ रेंडर सामने निकल के आए हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये फ़ोन कैसा दिखता है। तो दोस्तों, आपको मैंने बता दिया, आपको एक कैमरा मिलेगा, बाहर के हिस्से में आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये मोटोरोला का एक फ्लैगशिप फ़ोन होगा। तो अगर मोटोरोला इस साल इस फ़ोन को लॉन्च करता है तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक फ्लैगशिप फ़ोन होगा। और एक लीक के अनुसार हमें पता चला है कि ये फ़ोन US में $1500 में आएगा, मतलब लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास ये फ़ोन चला जाता है। नहीं पता ये फ़ोन अभी कितने में लॉन्च हो सकता है, मगर दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर मोटोरोला इस फ़ोन को लॉन्च करता है तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन उसके लिए एक सक्सेसफुल फ़ोन साबित हो सकता है, क्योंकि अभी मोटोरोला कुछ खास मार्केट में कर नहीं पा रही है। तो देखते हैं, और ऐसा कंपनी का ही मानना है कि शायद ये फ़ोन उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो दोस्तों चलिए इस फ़ोन के अब हम डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक फोल्डेबल डिस्प्ले फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको कीपैड वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, और ये फ़ोन जब बंद होगा तो काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्लिक हो जाएगा, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी लीक के अनुसार जैसा फ़ोन हमें दिख रहा है। अगर ऐसा फ़ोन होता है तो सच में ये फ़ोन मार्केट में तहलका मचा देगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, मोटोरोला का ये फ़ोन मार्केट में चलेगा या नहीं। क्या आपने मोटो रेजर का फ़ोन कभी यूज किया है और आपको वो फ़ोन कैसा लगता था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि भदानी टेक ने कोई वीडियो अपलोड किया है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।